कराची का हर ईमानदार शहरी जो जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वोटर था, जो इमरान खान का वोटर था, वो इस बात को अब मानेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें, कराची का कोई गली, कोई कोना, कोई कूचा इस वक्त ऐसा नहीं है कि जहां जरूरत है सेवरेज लाइन डलने की तो सेवरेज लाइन डल रही है, जहां जरूरत है रोडें बनने की वहां रोड डल रही है, जहां वाटर लाइन डलने की जरूरत है वहां वाटर लाइन डल रही है। आप देख रहे होंगे कि सबसे ज्यादा अगर इस वक्त तकलीफ किसी को हो रही है तो वो पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है। हमारी बदकिस्मती है, हम रहते हैं किंगडम ऑफ पीपल्स पार्टी, ये पीपल्स पार्टी की बादशाहत है यहाँ पर। कि नहीं जी आप कौन होते हैं हमारी सूबाई खुद मुख्तारी में दखल अंदाजी करने वाले, तो भाई सूबाई हुकूमत अब क्यों नहीं दे रही है सिंध के अंदर सेहत कार्ड? क्या हमारा हक नहीं है? क्या ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है सूबाई सिंध? आगे भी ऑप्शन कोई नहीं है सिवाय इमरान खान के, इन चोरों को हमने आजमा लिया है। हम कराची वाले बड़े गैरतमंद लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह और वफादार लोग हैं। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत को इसलिए पैसे नहीं दे रही क्योंकि हम पीपल्स पार्टी पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि इनका क्रैक रिकॉर्ड ही यही है कि ये पैसे खा जाते हैं। भाई हम क्यों दें पीपल्स पार्टी को पैसे? इमरान खान आपका लीडर है, कौम का बाप है, अगर वो आपको कहता है भाई हौसला रखें, घबराना नहीं, आपको हिम्मत दिलाने के लिए कहते हैं। तो जितना भी इस वक्त कराची में काम हो रहा है, मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, पीपल्स पार्टी का इसमें एक रुपए का भी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। जो कुछ भी बन रहा है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के फंड से कराची के लिए बन रहा है। अस्सलामु अलैकुम।